बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकल रहे हैं, क्या होगी ये यात्रा, कैसे हिंदुओं को एकजुट आप करेंगे पूरे बिहार में जो यात्रा आपकी निकलेगी? देखिए, जो हालात बनते जा रहे हैं उसमें बांग्लादेश में जो स्थिति उत्पन्न हुआ, वो स्थिति कई राजनेताओं ने ये भी कहा कि भारत में भी वो बांग्लादेश होगा, तो स्वाभाविक है कि हिंदुओं को जागृत होना होगा, हिंदुओं को संगठित होना होगा, और जब तक हिंदू संगठित हैं, जब तक सनातन का बहुमत है, तभी तक ये देश लोकतांत्रिक देश है, नहीं तो लोकतंत्र भी कमजोर होगा। तो आज मेरी यात्रा भागलपुर से चलेगी, कटिहार पहुंचेगी, कटिहार से पूर्णिया पहुंचेगी, पूर्णिया से अररिया पहुंचेगी, अररिया से किशनगंज, किशनगंज में हम समापन करेंगे। हमारी यात्रा हिंदुओं को जागृत करना, एकजुट रखना, यही मेरा लक्ष्य। आपको नहीं लगता कि ओपोजिशन ये बात कह सकता कि राहुल गांधी निकाले इसलिए वीरा सिंह ने भी निकाल दिया यात्रा? उनकी यात्रा राजनीतिक था, हमारे तेजस्वी जी ने एक यात्रा निकाला, फिर सुना है निकाल रहे हैं, वो राजनीतिक है, वोट बटोरने की राजनीति है, वो मुस्लिम वोटरों को इकट्ठा करना चाहते हैं, और हमारा तो विशुद्ध वोट बैंक से बाहर की राजनीति है। आपको लगता है कि जिस तरीके से एक टैगलाइन बटोगे तो कटोगे काफ़ी चर्चा में रहा, बिहार में भी हिंदुओं को अब एक साथ करने की ज़रूरत है, खास करके सीमांचल रीजन में जहां आप जा रहे हैं? वैसे मैं पूरे बिहार के लिए कह रहा हूँ, देश के लिए कह रहा हूँ कि संगठित हिंदू, सशक्त भारत, शक्तिशाली भारत, और संगठित हिंदू कमजोर होगा। तो बटोगे तो कटोगे, ये मूल मंत्र के रूप में है, और मैं समझता हूँ कि कुछ लोग हिंदुओं को बांटने का तरीका निकाले हैं, और मेरा उद्देश्य है, मेरे साथ एक दीपांकर स्वामी रहेंगे जो भिक्षा यात्रा वो हिंदुओं से कहते हैं कि जात को रखो लेकिन धर्म के साथ जुटो। तो मैं समझता हूँ कि मेरा है हिंदू स्वाभिमान यात्रा बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के खिलाफ, मेरी है कि भारत के अंदर में आज तक हमने कभी किसी के ऊपर एक पत्थर नहीं फेंका, चाहे तजिया हो या जो भी निकालें, आखिर हमारी यात्रा पर क्यों पत्थर, क्यों तलवार, क्यों गोली, चाहे वो ये हनुमान जयंती का हो, रामनवमी का हो, दुर्गा पूजा का हो, कांवड़ का हो, हमारी यात्रा पर पत्थर क्यों? इसी और दुख तो जरूर है, हम तो बाबा साहेब अंबेडकर ने जो कहा था 47वें, वही लोगों को बताने जा रहे हैं। बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था कि जिस ढंग से भारत को बांटा जा रहा है, इसमें भारत उस प्रॉब्लम से ग्रसित रहेगा, और आज वो दिखाई दे रहा। उन्होंने कहा था टोटल पॉपुलेशन मुसलमान चला जाए पाकिस्तान और पाकिस्तान से हिंदू चला आए, लेकिन बाबा साहेब अंबेडकर की बात नेहरू ने नहीं माना, और जिसका दुष्परिणाम आज भुगत रहे हैं कि हमें दुर्गा के विसर्जन के लिए रूट तय होता है, लाइसेंस मिलता है। ये स्थिति उत्पन्न नहीं होता अगर ये स्थिति नहीं आती तो।